हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम मैंगो चीज़ केक बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कप होममेड चीज़ लिया है, इसको बोल में डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ मैंने एक कप दही लिया है, एक कप मैंगो प्यूरी लिया है, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैं ब्लेंडर से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंगो चीज़ केक बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और अभी तो मैंगो का सीज़न भी है तो इसे ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पीसी हुई एक कप चीनी है, हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस, इन सबको एक मिनट के लिए ब्लेंड कर देंगे ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिया है, ये सॉल्टेड बटर है। बटर को मैंने मेल्ट कर लिया था पहले, इसको भी एक मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि बटर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मुझे तो चीज़ केक बहुत पसंद है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अब यहाँ मैंने जेलेटिन पाउडर लिया है 2 टीस्पून, इसमें हम नॉर्मल पानी डालेंगे 2 टेबल स्पून, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको माइक्रोवेव कर देंगे 30 सेकंड के लिए, ये देखिए, और इसको अच्छे से मिला देंगे ताकि जो जेलेटिन पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें जो हमने बैटर मैंगो का बना के रखा है वो 2 टीस्पून डाल देंगे और इसको अच्छे से जेलेटिन में मिक्स कर देंगे। जो चीज़ केक में एक थिकनेस जो आती है ना, वो जेलेटिन पाउडर से ही आती है। तो इसको बैटर में हम मिक्स कर देंगे। और एक मिनट के लिए
फिर से ब्लेंड कर देंगे हम, जिससे जेलेटिन पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे हमारा जेलेटिन पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मेरीगोल्ड बिस्किट है जिसको मैंने यहाँ तोड़ लिया है, ये 10 से 12 बिस्किट है। आप यहाँ कोई भी बिस्किट यूज कर सकते हैं, क्रीम वाला छोड़ के। तो इसको हम पाउडर फॉर्म में बना लेंगे बिस्किट को। ये देखिए, तो अब हम इसको एक कटोरी में डाल देते हैं। और यहाँ 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर लिया है, बटर को अच्छे से बिस्किट में मिक्स कर देंगे। सब तरफ से अच्छे से मिलाना है बिस्किट में बटर को। ये देखिए, इस तरीके से पूरा मिक्स हो गया है। तो यहाँ मैंने केक टिन लिया है, इस केक टिन में बिस्किट को पूरे में स्प्रेड कर देंगे ताकि नीचे एक लेयर बन जाए, जो हमारे केक का एक बेस होगा। और इसको ग्लास से मैंने ये देखिए इस तरीके से स्प्रेड किया है। तो यहाँ इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम यहाँ एक बोल में यहाँ 2 टेबल स्पून व्हिपिंग क्रीम लेंगे। व्हिपिंग क्रीम पूरा चिल्ड होना चाहिए। ये मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था तो ये जम गया है। ये देखिए, ये व्हिपिंग क्रीम है। और इसको अच्छे से हमें ब्लेंड करना है। व्हिपिंग क्रीम चिल्ड रहेगा तभी ये व्हिप होगा अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से। तो हमारा व्हिपिंग क्रीम तैयार हो गया है। 2 मिनट के लिए मैंने व्हिप किया है। तो इसको हम बैटर में मिक्स कर देंगे व्हिपिंग क्रीम को। इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो इसे 2 मिनट के लिए हम यहाँ फिर से ब्लेंड करेंगे ताकि पूरे बैटर में व्हिपिंग क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ हमारा बिस्किट का लेयर तैयार हो गया है। तो यहाँ मैंने बिस्किट के ऊपर मैंने मैंगो के कुछ स्लाइसेस डाले हैं। अब इसके ऊपर हम जो बैटर तैयार करके रखे हैं वो बैटर डाल दिया। इसको अच्छे से फैला देंगे पूरे केक टिन में।
ऐसे टैप टैप कर दिया ताकि इसके जो एयर हैं, एयर बबल, वो निकल जाएंगे। तो इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। तो ढक के इसको रख देते हैं। अब यहाँ दूसरी बोल में मैंने 1 टीस्पून जेलेटिन पाउडर लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून पानी डाला है और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको माइक्रोवेव कर लेंगे 30 सेकेंड के लिए। तो ये देखिए हमारा जेलेटिन पाउडर मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैंने यहाँ 2 टीस्पून पाउडर शुगर मिक्स किया है, इसको अच्छे से मिला देंगे ताकि पाउडर शुगर जो है अच्छे से गल जाए। ये देखिए पाउडर शुगर गल गया है। यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून की मैंगो प्यूरी रखा हुआ है, तो इसको 2 टीस्पून डाल देते हैं इसमें जेलेटिन पाउडर में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि डायरेक्ट अगर मैंगो प्यूरी में हम जेलेटिन डालेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो पहले हम इस तरीके से मिक्स करेंगे और फिर बाकी के प्यूरी में मैंने यहाँ जेलेटिन पाउडर मिक्स कर दिया है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंगो में गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर है तो एक बार स्टेनर से स्टेन कर ले। तो यहाँ हमारा केक सेट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए एक थिकनेस जैसा आ गया है इसके ऊपर। अब हम यहाँ जो जेलेटिन पाउडर मैंगो में मिक्स किया था, अब इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे ये मैंगो प्यूरी। मैंने चम्मच से इसे पूरा में फैला दिया है, ये देखिए। अब इसको हम फिर से फ्रिज में ढक के 2 घंटे के लिए रख देंगे। चलिए 2 घंटा हो चुका है, अब चेक कर ले। ये देखिए हमारा मैंगो चीज़ केक रेडी हो गया है। तो इसको निकाल लेते हैं। मैंने नीचे ग्लास रखा है और इसको नीचे की तरफ पुश करके निकाल रही हूँ। ये देखिए, अब इसको हटा लेते हैं ग्लास को और इसको यहाँ मैंगो क्यूब से मैंने यहाँ डेकोरेट किया है, ये देखिए इस तरीके से। बहुत प्यारा लग रहा है ये केक। और यहाँ मैंने ये 2 ड्राई वाले चेरी मैंने यहाँ रखा है, जो देखने में इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा दे। और यहाँ पुदीने के पत्ते से मैंने इसे डेकोरेट किया है, ये देखिए। तो ये हमारा मैंगो चीज़ केक रेडी है। तो चलिए इसको कट करते हैं। ये देखिए हमारा मैंगो चीज़ केक बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, ये देखिए, है ना, बहुत टेस्टी। तो
तो इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फादर डे ये केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।